सब्सक्राइब कीजिए बुटवक जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुटवक जेट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जैसे स्लाइडिंग डोर्स जो होते हैं हमारे, जो हमारे अलवारी के स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, तो वो किस कैसे लगाने चाहिए, कितने एमएम का लगाना चाहिए, कितने यानी कि थिकनेस होनी चाहिए, और जैसे 8 फुट का होता है तो उसमें अपने साइज का और मोटाई का हिसाब ज़रूर देखना होता है, उसमें कैसा लगा सकते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं। तो देख सकते हैं ये अपने जैसे डोर्स आपको लगाने हैं, तो उसमें जैसे हमारा ये लगाए जाते हैं, तो जैसे 8 फुट की हाइट होती है और उसकी जो थिकनेस होती है, तो वो देख सकते हैं अपना ये अपना जो आपको मोटाई लगानी है, तो इसके बारे में ये हमारी जो थिकनेस होनी चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, और हमारा ज़्यादातर जैसे लंबे होते हैं तो वो टेढ़े होने का चांस रहता है। तो इसमें जो गैप बंद करना होता है आपको, जैसे आपको जो जगह है, तो उसी के हिसाब से मैं वीडियो में बताऊँगा आपसे। आपसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखना आज तक। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे वार्डरोब के डोर्स लगाने होते हैं, जो स्लाइडिंग डोर्स होते हैं हमारे, वो कैसे लगाए जाते हैं, वो कितने एमएम के लगाए जाते हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें चैनल का साइज लेना होता है, जो चैनल हमारे जिस साइज के हिसाब से हमें जो वार्डरोब के डोर्स लगाने, तो सबसे पहले हमें चैनल की कटिंग करनी होती है। तो चैनल कटिंग हमें करने के बाद हमें डोर्स मिलाने होते हैं। तो सॉफ्ट क्लोज जो चैनल होती है, जैसे आपके सॉफ्ट क्लोज के जो आप स्लाइडिंग लगाते हो, तो उसके लिए ये हमारी चैनल आती है। तो इसमें अगर आपको जैसे चैनल लेनी है, तो चैनल उस हिसाब से हमारा जो साइज़ छोड़ा जाता है, 3.5 इंची गैप छोड़ा जाता है। जैसे हम वार्डरोब बनाते हैं, अंदर के जो पार्टीशन होते हैं, सेल्फ होते हैं, वो 3.5 इंची कम होते हैं बाहर के फ्रंट से। तो सबसे पहले हमें कटिंग करनी होती है, फिर उसके बाद हमें इसके अंदर सुराख करने होते हैं, जो हमारे पेज के स्क्रू के जो सुराख होते हैं वो करने होते हैं। तो ये 10 या 12 इंची के गैप के हिसाब से किए जाते हैं, उसी के हिसाब से आपको करने होते हैं, जो पेज की जो जितनी मोटाई होती है उसके हिसाब से, तो आपको उसी तरीके से करने होते हैं। और वो पेज का जो आपका साइज होता है, तो जैसे आपका कैप होता है, तो उसको भी बैठाना ज़रूरी होता है। तो बड़े वेट से आप उसको होल को बड़ा कर सकते हैं ऊपर से, जो हमारा ये देख सकते हैं अपने जैसे 3 सूट का वेट है, तो आप 3 सूट के वेट से भी कर सकते हैं, जो 6 अपने 9 mm का वेट होता है, तो उससे भी कर सकते हैं। तो हमारा उसी से ये होल बड़ा किया जाता है, तो जिसमें कि हमारा जो कैप होता है पेज का, वो आराम से बैठना चाहिए और फिनिशिंग ज़्यादा आनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं हमारा जो चैनल है, चैनल में जैसे आपको सुराख करने है, तो अपना साइड से 1.5 इंची 1 इंची दूरी पर लगाया जाता है, उसके बाद अपना ये अपने होल किए जाते हैं, तो उसी तरीके से आपको करने होते हैं। ये देख सकते हैं हमारा जो पेज के हैं, तो वैसे ही होल किए जाते हैं जैसे हमारा पेज होता है, स्क्रू होता है। तो उसके बाद हमारा नीचे का चैनल लगाया जाता है, जो हमारा 6 mm का चैनल होता है, जो पतला वाला चैनल होता है, वो नीचे लगाते हैं, और हमारा जो मोटा चैनल होता है वो ऊपर लगता है, जो हमारा मोटाई में जो 5 सूत का होता है। ये देख सकते हैं 10 कंपनी का, अगर आपको 10 कंपनी का लेना हो, तो आप ये स्लाइडिंग डोर्स के लिए, ये हमारा स्लाइडिंग डोर्स के लिए चैनल आती है, उसमें अपने सॉफ्ट क्लोज अपना जो होता है, इसमें इसी के अंदर निकलता है, और अपना 4 ट्रैकर वाला, तो आप देख सकते हैं इसमें, और अपना ये जैसे हमारा इसमें फिटिंग निकलती है, तो सारी फिटिंग इसी के अंदर आती है, सॉफ्ट क्लोज हमारा इसी में आता है। और इसकी जो मार्केट प्राइस है, तो इसका 3 से 3.5 हज़ार तक का आता है, ये मार्केट में आपको हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से लिंक पर से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, तो ये हमारा सॉफ्ट क्लोज होता है, तो इसमें जो तीर का निशान होता है, ये अंदर की साइड लगाया जाता है, और जिसमें एक साइड तीर का निशान आता है इसमें, तो वो अंदर की साइड होता है, और जैसे आपका तीर का निशान नहीं है इसमें, तो एक साइड में नहीं है, तो वो बाहर की साइड रहता है। तो उसी तरीके से आपको लगाना होता है, अपने 4 सॉफ्ट क्लोज आते हैं इसमें, तो दोनों साइड से ही लगते हैं, जो ऊपर का चैनल होता है उसी में लगते हैं, ये जो हमारा चौड़ा चैनल होता है, जो 5 सूत में होता है, तो जो 15 mm का होता है, तो उसमें लगते हैं ये, अपने जो ऊपर मोटा चैनल होता है, एक पतला होता है इसमें, तो ये ऊपर वाले में अपना लग जाएगा, और अपने उसी तरीके से आपको ये फिट करने होते हैं, जो हमारा साइज़ होता है, तो साइज़ के हिसाब से आते हैं ये, जैसे अपना सॉफ्ट क्लोज का, तो उसी तरीके से ये अपने निकलते हैं। तो इसमें अपना टाइट करना होता है ये, तो इसमें हमारी जो चाबी होती है एलन की, तो एलन की होती है, तो उसी से टाइट करना होता है। तो इसको एक बार हम फिट कर लेते हैं, जैसे हमें जहाँ भी रोकना होता है, जिस हिसाब से लगाना होता है, जैसे आपको बाहर से लेबल होना चाहिए, जो हमारे साइडों से होता है, तो उसके हिसाब से लेबल होना चाहिए, तो उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये अपना बराबर होना चाहिए ये साइड से, तो आपको चारों ही इसमें लगाने होते हैं। दूसरी चैनल होती है, उसमें अपना ये जो अपना ये सॉफ्ट क्लोज का सिस्टम नहीं आता, बाकी चैनलों में जो बाकी और चैनल होती हैं बाकी, तो इसमें कंपनी कई काफ़ी कंपनी आती हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से अपना देख सकते हैं, जो उसका प्राइस है वो 3500 के आसपास आता है, ये 3 से 3500, 3 हज़ार के आसपास, तो उससे ऊपर ही होता है, वैसे नीचे तो नहीं होता,
तो आप ले सकते हैं, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और अपना इसमें सॉफ्ट कलर लगाने के बाद अपना ये टाइट कर सकते हैं, जो जहाँ पे भी आपको रोकना हो तो उसी के हिसाब से, जहाँ डोर्स रोकने हैं आपको तो उसके हिसाब से होता है ये, अपना पेच टाइट हो जाते हैं, एलंकी वाले पेच आते हैं इसके अंदर, उनको टाइट करना ज़रूरी होता है। और आप उनको टाइट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको लगाना है, वैसे साइडों से आपका बराबर होना चाहिए उसी तरीके से, जैसे अगर जैसे हम लगा रहे हैं वैसे ही लगाते हो आप, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है, उसे आसानी से आप लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारे इधर के एक साइड से टाइट हो गया, तो हम दूसरी साइड का भी टाइट कर देते हैं, जैसे हमारा दोनों साइड से होते हैं तो उसी तरीके से हमें लगा के इसको टाइट करना होता है। तो ये देख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत जैसे हमारा पेज टाइट होता है तो उसको लूज करके जो हमारा नीचे चैनर में अड़े नहीं, तो ये हमारे चैनर के हिसाब से जो गैप होता है उसमें फिक्स होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत भी इसमें गैप नहीं होता, इसमें कोई प्ले नहीं होती, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे नहीं इसमें लगता है तो उसको पेज को आप एक बार टाइट कर दें, पेज जो होते हैं टाइट या जो आपको खोलना है तो खोल सकते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे इसमें दो पेज होते हैं दोनों साइडों में, वो तो टाइट करने जो अपने जो जहाँ पर रोकने वाले एलंकी वाले होते हैं उनको अपना लूज करके कस सकते हैं बाद में। तो अपना ये अंदर आना चाहिए, अगर इसमें थोड़ा बहुत जैसे टाइट होता तो जाता नहीं अंदर, दिक्कत करता, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसमें पिले नहीं होती है तो उसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं और अपना टाइट कर सकते हैं। तो अपना टाइट करने के बाद आप इसको ऊपर फिट कर सकते हैं, जो हमारा स्लाइडिंग में लगेगा जहाँ पर अलमारी के अंदर, तो उसको अपना सॉफ्ट क्लोज जो होता है हमारा, जो उसमें सॉफ्ट क्लोज होता है उसको आप अपना जहाँ पर जो हाँ डोर आएगा हमारा उसको उस साइड में करना ज़रूरी होता है। जैसे अपने अंदर की साइड आप इसको बराबर कर सकते हैं और उसी तरीके से लगा सकते हैं, उसी तरीके से आपको ये फिट करना होता है। जैसे हमारा नीचे फिट किया जाता है तो पेच अपने जो होते हैं स्क्रू हमारे वो प्रॉपर पूरे लगाए जाते हैं, इसमें कोई भी पेच आपको खाली नहीं छोड़ना होता, तो अपना 10 या 12 इंची के गैप के हिसाब से इसमें लगाने ज़रूरी होते हैं। तो उसी तरीके से लगा सकते हैं और अपना फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे अपना जैसे हमारा चैनल लगाते हैं तो कुछ चैनल में ऐसा होता है कि ये जो हमारे पेच होते हैं वो दिखते हैं और इसमें गंद भी फंसता रहता है, जो मिट्टी होती है वो फंसती रहती है, तो उसको आपको जो लगाना होता है एक इसमें पट्टी आती है जो हमारा कवर आता है इसके ऊपर से, जो हमारा पेच भी नहीं दिखते हैं और उसमें हमारा गंद भी नहीं फंसता, तो उसके हिसाब से इसमें एक कवर आता है वो मैं दिखाता हूँ। इसमें वो जो हमारा लगाया जाता है जैसे पेच लगाने के बाद हमारे पेच भी नहीं दिखते, ये देख सकते हैं एक इसी में ही हमारी ये कवर आता है इस कंपनी में, और बाकी जो कंपनी आती है उनमें आता है नहीं आता है, मेरे को ध्यान नहीं है, बाकी इस कंपनी में ये कवर आता है। तो इसमें से आप लगा सकते हैं और अपना ये देख सकते हैं हमारे जो पेच हैं वो दिख नहीं रहे और हमारा जो गैप है वो भी बंद हो गया। तो इसी तरीके से आप लगा सकते हैं और अपना तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको ये फिट करना है, फिट करने के बाद अपना जो ऊपर वाला चैनल लगाना है इस तरीके से, आपको लकड़ की तरफ से आपको अगर लोक जैसे नहीं आता नहीं दबता तो लोक अपना लकड़ की तरफ से दबाना, चैनल के ऊपर निशान नहीं आना चाहिए। अगर आप लोहे की तरफ से मारते हो जैसे अपने हथौड़ी से मारते हो जो हमारे सीधी तरफ से जैसे कील ठोकते हैं तो वैसे निशान आ सकता, लकड़ी की तरफ से आपको ठोकना होता है, एक लकड़ का पीछे लेकर ठोक सकते हैं या अपना हथौड़ी के हैंडल से भी ठोक सकते हैं। तो ये देख सकते हैं उसके बाद हमारा ऊपर का चैनल जो लगाना होता है हमारा नीचे का भी और ऊपर का भी बाहर से फेस होना चाहिए, बाहर से मिल कर आना चाहिए। बाहर से अगर अंदर करते हो आप ये थोड़ा बहुत अंदर करते हो तो दिक्कत आ जाती है डोर्स में, तो आपको ये चीज़ मिलानी ज़रूरी है और फेस करके ही लगाना। तो उसी तरीके से आपको लगाना है और इसको फिट कर देना है। अपना जितने भी पेज इसमें होते हैं जिस हिसाब से आपने सुराख करे हैं इसमें, तो उसी तरीके से आपको ये फिट करना ज़रूरी होता है। चैनल में पिले नहीं होनी चाहिए, अगर पिले होगी तो आपका स्लाइडिंग डोर्स में चलाने में दिक्कत होगा और अपना साइज़ गड़बड़ा होगा। तो उसी तरीके से हमारा जो साइज़ होता है, साइज़ में भी अगर आपको जैसे वार्डरोब बनाते हो हाइट में जितना साइज़ है उतना ही साइज़ रखना आपको, जैसे एक तरफ अपना 95 इंची है तो दूसरी तरफ भी 95 इंची 95 इंची ही होना चाहिए और बीच में भी, इसमें साइज़ में अगर गड़बड़ होगी तो आपका स्लाइडिंग डोर सही नहीं चलेगा। तो उसके बाद अपना ये मिलाना आपको, ये जो मिलाना आपको डोर्स दोस्तों, अगर आपका जैसे बैंड हो जाता है डोर्स या अपने इसी तरीके से मिलाने जैसे हमें पल्ले मिलाने होते हैं तो उसी तरीके से मिलाना, अगर आपके जैसे बैंड हो जाते हैं डोर्स जो हमारा टेढ़े हो जाते हैं कुछ टाइम बाद जैसे लंबे डोर्स होते हैं, तो उसमें अगर आपको जैसे डोर्स लगाने हैं तो एक्सन टेसा कंपनी का लगा सकते हैं। एक्सन टेसा कंपनी का हमारा जो डोर्स होता है वो बैंड नहीं होता, अगर आप सनमाई का लगाते हैं सनमाई का आपको दोनों का एक साथ लगाना, तो अपना साइज़ उसी तरीके से नापना आपको, जो हमारा साइज़ होता है जैसे हाइट में तो आपको तीन साइड साइज नापना होता है बीच में और अपना दोनों साइडों में, उसी तरीके से आपको साइज़ नाप के लगाना होता है। और आपकी जो चौड़ाई होती है जैसे चौड़ाई के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, आपको जो बड़ा छोटा इसमें दो साइज लगाए जाते हैं डोर्स में, अगर आपका एक स्लाइडिंग डोर्स है तो उसमें अगर दो पल्ले लग रहे हैं तो एक छोटा एक बड़ा लगता है,
जो हमारा बाहर का होता है, तो बाहर के हिसाब से हमारा साइज़ जो होता है, जो हमारा दोनों का साइज़ बराबर दिखना चाहिए, जो बाहर का डोर्स होता है उसका ये साइज़ होता है, और अंदर वाला जो होता है वो हमारा बड़ा होता है, 1.5-2 इंची बड़ा देख सकते हैं अपना, 33.5-33.5 इंची होता है, तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारा अंदर वाला डोर्स लगाया जाता है तो हमारा साइज़ उसका बड़ा होता है, बाहर वाले का 33.5 इंच में हमारा बाहर का लगता है, तो हमारा अंदर वाला 35.5 इंच होता है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर ये देख सकते हैं एक्सन टेसा कंपनी का HDHMR वाटर प्रूफ है, ये दीमक प्रूफ वाटर प्रूफ दोनों ही हैं, ना तो इसमें आपका सीलेंसर ख़राब होगा और ना ही इसमें दीमक लगेगी आपकी, और इसमें मजबूती भी बढ़िया रहती है, और इसको जो लगाना आपको ये 25 mm का जो डोर्स होता है 25 mm का लगाया जाता है। अगर आपको लगाना है जैसे आपका डोर्स बैंड नहीं होना चाहिए और उसमें गैप भी कम आना चाहिए, मैं साइज नाप के भी दिखाऊंगा आपको, ये देख सकते हैं लंबाई जो होती है हमारी 9, जैसे आपको लंबाई इसमें काटना है, जैसे लंबाई जो होती है हमारी 300 छोटा करके लगाया जाता है डोर्स, जो हमारा चैनल का साइज आता है उससे हमारा जो साइज़ हमने नापा उससे 300 छोटा करके आप लगा सकते हैं, दोनों तरफ अपने ट्रैकर लगा सकते हैं उसमें, तो उसी तरीके से आपको ये फिट करना होता है। ये देख सकते हैं हमारा जो इसमें बैंड नहीं होगा दरवाज़ा, सनमाई का आप दोनों साइड एक साथ लगानी होती है, आगे का भी और जो हमारा अंदर का भी, फ्रंट और अंदर का जो सनमाई का एक साथ ही लगाना होता है, उसमें बैंड नहीं होता, दरवाज़ा कभी भी टेढ़ा नहीं होगा, उससे ज़्यादा मजबूत दरवाज़ा आपको डोर्स जो होता है वो नहीं मिलेगा दूसरे उसमें। तो एक्सन टेसा कंपनी का HDHMR ये वाटर प्रूफ है और इसमें अच्छी यानी कि मजबूती है, 25 mm कम से कम आपको लगाना होता है 1 इंची का डोर्स, अगर आपको अच्छी मजबूती देनी है तो 1 इंची का डोर्स उससे पतला लगा सकते हैं, तो वो लपक लेते हैं बीच में से, तो उस तरीके का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसमें भी अगर आपका जैसे गैप बचता है इसमें बीच में से, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, तो उसका जो गैप बंद करना आता है आपको वो कैसा करना होता है हमें, उसमें किस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं। हमारा कटिंग भी उसी के तरीके से किया जाता है, जो उसकी हाइट होती है आपकी जो हाइट है, तो हाइट के हिसाब से आपको 300 छोटा करना होता है, जो 9 mm होता है, तो इसमें हमारा जो गैप होता है तो इसमें ज़्यादा वज़न होता है डोर्स में, तो उसके हिसाब से गैप 300 का ही चलता है इसमें, अगर आपको जैसे लंबे डोर्स हैं 8 फिट के, तो इसमें अगर आपका ये देख सकते हैं ये हमारा ऊपर की साइड लगता है, जो हमारा ये नीचे की साइड लगता है, जो बड़ा वाला इसका ट्रैकर होता है जो रेडू होता है वो नीचे की साइड लगता है, बड़ा वाला छोटा वाला ऊपर की साइड लगता है, जो हमारा सॉफ्ट क्लोज में जाके फंसता है, इसमें लॉक है, ये देख सकते हैं ऊपर की साइड ये लॉक है इसमें, तो इसको जो हटा के लगाना आपको साइडों से 3.5 इंची, जो हमारा साइड से हटाया जाता है ऊपर का 3.5 इंची, नीचे का अपना 2 इंच भी हटा सकते हैं, तो उसी तरीके से आपको लगाना होता है। और अपना इसमें जैसे आपको बाहर से लेवल नहीं आता अगर आपका, तो जैसे इसमें दिक्कत आती है तो आप इसको अंदर गला भी सकते हैं, जो हमारा जहाँ पे ये हमारे ट्रैकर लगेगा जो हमारा, तो ये अगर ये अड़ता है या जैसे आपका कोई दिक्कत करता है जैसे बाहर आ जाता है डोर्स, तो उसके हिसाब से आप इसको गला के भी लगा सकते हैं, जिसमें हमारा गैप कम होना चाहिए, जो हमारे अंदर का बीच का गैप होता है दोनों डोर्स के बीच में गैप बचता है वो कम होना चाहिए, तो उसी तरीके से आपको जो गला के लगाना होता है, अगर आपका जैसे बाहर की तरफ डोर्स आ रहा आपने चैनल मिला के लगा दिया, अगर बाहर आता आपका 2 सूत या 1.5 सूत, तो उसको गला के ही लगाना होता है। पहले हम इसको फिट कर लेते हैं, अगर ये हमारा थोड़ा बाहर आएगा तो हम इसको गला के लगाएंगे, तो उस तरीके से आपको लगाना है, और अपना 3.5 इंची ऊपर वाला साइड से छोड़ना होता है, जो हमारा साइड से साइज होता है, और नीचे वाला 2 इंची हटा कर लगाना होता है, तो नीचे वाले में आपको थोड़ा सा जो पैर होते हैं चौड़े रखने होते हैं, ऊपर वाला लॉक के हिसाब से जो हमारा सॉफ्ट क्लोज होता है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो इसमें जो आपका लगाया जाता है तो उसी के तरीके से जो हमारा सॉफ्ट क्लोज आता है, बाकी तो आप अगर आप थोड़ा अंदर भी कर देते हैं 4 इंची के गैप भी दे सकते हैं, अगर सॉफ्ट क्लोज अपना अंदर थोड़ा सा कर सकते हैं तो उसी तरीके से आपको नापना ज़रूरत है, बाकी तो अपना चेंजिंग ज़्यादा करना बेकार ही है इसमें, क्योंकि इसमें फिर दिक्कत आती रहती है, तो उसी तरीके से आपको लगाना जो इसका तरीका है लगाने का, तो ये देख सकते हैं अगर आपको इसमें जो चारों पेच आते हैं तो चारों पेच लगाने, अगर एक ट्रैकर में 4 पेच आते हैं तो 4 ही पेच लगाने आपको, तो उसी तरीके से पेच आपको अपने जो होते हैं वो टाइट करने हैं आपको, मशीन से भी कर सकते हैं, अगर टाइटर मशीन उससे भी कर सकते हैं, पेच कैसा है तो पेच कैसे भी कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं ये 3.5 इंची हमारा साइड से गैप है, तो उसी तरीके से आपको लगाना होता है, दोनों हमारे 3.5 इंची हटा के लगाए गए हैं, जो ऊपर के वाले हमारे ट्रैकर होते हैं, नीचे वाला अपना 2 इंची हटा के आपको लगाना होता है, और आप उसी तरीके से नाप कर देख सकते हैं साइज, नीचे से थोड़े से एक्स्ट्रा ही लेना होता है साइज़, जो हमारा कम ही छोड़ना होता है साइडों से, और ऊपर का अपने साइज़ के हिसाब से लगाना होता है, तो आप उसी तरीके से आपको लगाना है। इसमें जो हमारा 3.5 इंची का जो गैप था उसमें हमारा इसमें अड़ेगा भी नहीं, जो हमारे पीछे की साइड जो रेडू होता है वो अड़ता भी नहीं, जो पार्टीशन होते हैं
अगर आप इससे कम साइज़ छोड़ते हो तो उसमें अंडे का चांस रहता है, तो उसमें दिक्कत आती है, तो उसको फिर कटिंग करनी होती है। तो इसमें इस तरीके का करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको साइज़ पहले ही छोड़ना होता है। उसी तरीके से आप साइज़ छोड़ सकते हैं, ये देख सकते हैं 2 इंची हटा के लगा सकते हैं। अगर आपका ये, जैसे मैं इसको गला के भी दिखाऊंगा, अगर जैसे ये अड़ता है तो उसमें कैसे लगाना चाहिए आपको और उसको किस हिसाब से गलाना चाहिए आपको। तो ये पहले हम अंदर वाला जो डोर्स होता है उसको लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारा जो बाहर वाला आएगा तो उसमें गलाना ज़रूरी है हमें, जो हमारा साइज़ के हिसाब से जो अड़े नहीं डोर्स में, तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको जो गलाना, और ऊपर जो अपना ट्रैकर लगाते हो आप, तो अपना माइका का पीस लेके, अगर आप सिंगल बंदे हो तो उसको माइका का पीस ऊपर लगा के अपने चैनल के अंदर फंसा के, तो आप लोग अंदर फंसा सकते हैं। अगर आपकी जगह नहीं है तो उसी तरीके से भी लगा सकते हैं, जगह कम है तो। जैसे हम ये हाथ से दबा के लगा रहे हैं, उसका भी मैं तरीका दिखा दूँगा आपको। तो वो जो लगाना आपको, ये जैसे नीचे दबाने में अगर आपका जैसे हाथ से नहीं जाता, जगह कम होती है, तो उसको आप माइका का पीस लेकर ऊपर लगा के उसको दबा सकते हैं अंदर। वो कैसा लगाना है वो भी मैं दिखा देता हूँ, जो हमारा दूसरा डोर्स लगेगा उसमें। तो आपको जो लगाना, ये अपना फिट करने के बाद जो अंदर का डोर्स होता है सबसे पहले उसको लगाना होता है, और बाहर का डोर्स हमारा बाद में लगता है। तो इसको एक बार चला कर देख लें, चेक करें उसको, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको उसी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। अगर इसमें गैप्स कम हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं। पहले आपको अंदर का ही डोर्स लगाना ज़रूरी होता है, जिस साइड का भी होता है। तो आपको जो डोर्स लगाना होता है, जैसे इसमें ऊपर नीचे कैसे रखें, टक्कर हमारी हमेशा फर्न के सामने से दिखनी नहीं चाहिए ऊपर वाले डोर्स की। तो आपको डोर्स में भी यही इसी तरीके से लगाने होते हैं, जो टक्कर होती है हमारी वो दिखनी नहीं चाहिए। अगर मेन एंट्री के सामने से आती है तो वो टक्कर ऊपर ही होनी चाहिए, वो हमारी टक्कर नज़र नहीं आनी चाहिए, टक्कर हमारी छुपनी चाहिए। उसी तरीके से आपको लगाना होता है, तो उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। और अपना उसके बाद हमारा ये देख सकते हैं डोर्स 33 इंची 500, तो वो था हमारा 35 इंची 500, तो इसमें हमने 2 इंची का फ़र्क दिया था। तो उसी तरीके से आप दे सकते हैं, और अपना तो उसी तरीके से जैसे हमने उसमें नाप लिया था वैसे ही इसमें नाप ले के वैसे दूसरे डोर्स में लगाना होता है। तो इसको हमारा जो साइज़ है इसका थोड़ा सा मोटा हो रहा है, ये बाहर आ रहा है। हमने जो साइज़ है, हमने इसका साइज़ जो मिलाया, जो हमारा 1/4 इंची का होता है, उसके तरीके से जो हमारा डोर्स आता है, तो जो हमारे चैनल का साइज़ आता है वो 1/4 इंची के हिसाब से आता है, बाकी 1 इंची के हिसाब से नहीं आता। फिर भी हमें उसमें मजबूती के लिए, जो हमारा डोर्स ख़राब नहीं लगने चाहिए, काम जो होता है एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जो हमें चैनल जो लगानी होती है, डोर्स भी लगाना होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, तो काम हमारा बार बार नहीं होता। जो वार्डरोब है, वार्डरोब भी अपना किचन है, जो भी डोर्स भी जहाँ भी लगाते हो आप, वो बार बार नहीं होते, एक ही बार होता काम। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो ये हमें कटिंग करनी होगी, इसमें जो हमें अपना जो हमारा रेडू है, इसमें जो ट्रेकर है इसको गलाना है हमें, जो हमारा साइज़ के हिसाब से। तो आपको जो गलाना होता है 150 सूत या 200 सूत, उसी के हिसाब से गलाना होता है। जो हमारा बाहर जैसे 1 इंची है, तो आपको जो गलाना है कम से कम 200 सूत तो होना चाहिए, जो हमारा गल के जो चैनल, हमारे चैनल के फेस से होना चाहिए, बाहर के फ्रंट से फेस से आना चाहिए। अगर आपको फ्रंट से फेस रखते हो आप, तो उसमें इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप नहीं करते, जैसे फेस, जैसे आपका बॉर्डर जो होता है बाहर होता है, तो उसमें आप अंदर भी लगा सकते हो। तो आपका जो बॉर्डर दिया जाता है, तो बॉर्डर पे आपको जगह ज़्यादा छोड़नी होती है। अगर आप चारों तरफ से बॉर्डर देते हो, जैसे 2 सूत बाहर या अपना 1/2 इंची बाहर, उस तरीके से बनाते हो, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये कटिंग करके आपको इस तरीके से लगाना, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो आप उस दूसरे तरीके से वैसे ऊपर से भी लगा सकते हैं, जो हमारे पेज के कसे जाते हैं, तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं। बाकी अगर आपका जैसे फ्रंट से लगाते हो मिला के, तो आपको गलाना ज़रूरी है फिर, तो इसी तरीके से आप गला सकते हैं। ये देख सकते हैं इस बोर्ड के फ़ायदे आपको दूसरे बोर्ड में मुश्किल से मिलेंगे। तो इसमें जो हमारा होता है, ये देख सकते हैं हमारा 6 mm की जो पट्टी है, तो उसके लेवल से हमें उसी से नाप कर लगाना होता है, उसी तरीके से हमें गलाना होता है, प्रॉपर हमारा बराबर गलना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा बहुत टेढ़ा रहेगा तो आपका जो ट्रैकर है वो चैनल में अड़ेगा और दिक्कत करेगा, और टाइट चलेगी आपकी, उसमें चलने में दिक्कत आएगी, जो हमारा सॉफ्ट क्लोज है वो भी काम नहीं करता फिर। अगर आप टेढ़ा गला देते हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम बढ़ती गला देते हो, तो उसमें दिक्कत होती है। तो आपको प्रॉपर ही गलाना होता है, जो बराबर हमारा साइज़ के हिसाब से, इसमें टेढ़ा नहीं चलता है, इसका जो ट्रैकर है वो टेढ़ा नहीं चलता, थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा भी कर देता हो वो भी नहीं चलता, इसमें दिक्कत करता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, और उसी तरीके से आपको गला कर लगाना होता है। तो हमारा ये जैसे साइज़, जैसे जितने भी हमारे ट्रैकर हैं, इसमें 4 ट्रैकर लगते हैं, तो चारों को ही गलाना ज़रूरी होता है। पेज का भी निशान हमारा जो पीछे होता है वो भी गलाना ज़रूरी होता है,
अगर आप इसको टाइट करके ठोकते तो वो टेढ़ा हो जाता है। तो अपना गलाना ज़रूरी होता है, और सबसे पहले आपको माइका से पहले आपको उसी तरीके से ये गला के लगाने होते हैं, एक बार चेक करने ज़रूरी होते हैं। अगर इस पर थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका माइका लग गया उसके बाद लगाते हो तो आपको थोड़ा बहुत 19-20 करना होता है तो वो दिक्कत आ जाती है, तो उस तरीके से ना करें तो अच्छा ही है। और आप इसी तरीके से अगर सबसे पहले आपको माइका लगाने से पहले आपको लगाना ज़रूरी होता है स्लाइडिंग डोर्स जो होता है हमारा, तो उसी तरीके से लगा सकते हैं। तो उसमें जैसे आपको लॉक लगाना होता है, जो हमारे लॉक होते हैं स्लाइडिंग लॉक, जो हमारे अलमारी के स्लाइडिंग लॉक होते हैं उसमें कितने प्रकार के आते हैं लॉक, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, और लॉक का भी तरीका दिखाऊंगा मैं आपको उसमें जो अगली वीडियो आ गई मेरी, जब इसका जैसे कंप्लीट होगा लैमिनेट लग जाएगा, सनमाइका लग जाएगा, जो फिनिशिंग होगी उसका जब हम लॉक लगाएंगे या हम पहले भी लॉक लगा के दिखाएंगे तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा लॉक जो होता है हमारा, लॉक नज़र भी नहीं आना चाहिए और लॉक भी लगना चाहिए पार्ट रूम में, तो उसका लॉक का भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें लॉक किस प्रकार का लगाना चाहिए आपको, जो हमारा लॉक भी देखने में बाहर से नहीं दिखा, नज़र भी नहीं आना चाहिए, लॉक भी लग जाना चाहिए। तो आपको जो लॉक लगाना है तो उसी तरीके का लॉक लगाना है आपको, अगर आपको कभी भी लॉक लगाना है स्लाइडिंग डोर्स में जो हमारे लॉक लगाया जाता है, तो उसमें फ़ायदे भी दिखाऊंगा मैं आपको, हमारा लॉक नज़र नहीं आ सकता जो लॉक लगाया जाएगा। तो आपको लॉक वैसे ही लगाना अगर आप स्लाइडिंग डोर्स में लॉक लगाते हो, जो हमारी स्लाइडिंग वार्डरूम होती है, तो लॉक की वीडियो जल्दी आने वाली है। तो सबसे पहले आपको उसी तरीके से लगाना होता है, तो ये अपने देख सकते हैं जैसे आपको रेडो गलाने हैं तो चारों बराबर गलाने हैं आपको और अपना उसी तरीके से लगाने हैं। और हमारी जो इसमें साइडों से जो एफ प्रोफाइल होती है वो कैसे लगानी होती है, उसको किस तरीके से लगाना चाहिए, उसके फ़ायदे भी क्या होते हैं, हमारी जो सनमाइका नहीं टूटनी चाहिए तो उसको कैसे लगाते हैं, और उसको लगाने का तरीका भी मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे आपको लगाना कभी जैसे आपको जैसे हमारे किनारे जो होते हैं सनमाइका के टूट जाते हैं, जो हमारे स्लाइडिंग डोर्स में होते ज़्यादातर, या हम टेप भी लगाते हैं टेप भी उतर जाता है, तो उसमें आप अगर उसको लगाते हो जैसे ऐप प्रोफाइल जो होती है हमारी वो कितने एमएम की आती है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा उसमें जैसे लगाया जाता है तो वो आपको कैसे लगाना चाहिए, उसमें जो हमारा माइका उखड़ना चाहिए और माइका के हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। तो उसका भी आपको अगली वीडियो जो आएगी वो मिल जाएगी और उसमें ही आप देख कर लगा सकते हैं। तो आपको जो लगाना होता है उसका भी बहुत आसान तरीका, वैसे कोई दिक्कत नहीं है उसको लगाने का, जो कटिंग करनी होती है तो उसको बस ध्यान रखना होता, तो उसको भी देख सकते हैं। ये हमारे जो पेच हैं चारों पेच लगाने के बाद, फिर हमारे जो नीचे के रेड हुए उसके भी लगाने के बाद हम उसको लगा कर चेक करेंगे हमारे डोर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो आपको लगाना है तो इसी तरीके से देख सकते हैं, ये हमारा जो डोर्स में जो रेड हुए वो लग गए। अब इसको जो आपको लगाना है, जैसे आपको दिक्कत आती है इसको अंदर बैठाने में, जो ट्रैकर होते हैं जो ट्रैकर आपको बिठाने जो हैं आपको, जैसे ऊपर की साइड है तो आप माइका के पीस लेकर, ये देख सकते हैं माइके के पीस लेकर आप इसको अंदर बैठा सकते हैं, दोनों जो हमारे ऊपर के ट्रैकर होते हैं उसमें लगा के आप इसको अंदर भी कर सकते हैं, तो अपना लग जाता है, कोई परेशानी है नहीं। तो उसी तरीके से बहुत आसानी से आप इसको दबा के लगा सकते हैं, तो इसमें आप सिंगल भी लगा सकते हैं, तो देख सकते हैं। और आपको जो ग्रुप इसका जो गैप है आप देख सकते हैं, ये हमारा जो गैप है इसको कम कितना किस तरीके से करते हैं और इसको ये आप देख सकते हैं। अगर आपको कम करना है तो पट्टी भी लगा सकते हैं, जो हमारे बाहर वाला डोर्स होता है उस पर पट्टी लगा सकते हैं 6 mm की, जितना भी गैप हो उस हिसाब से बंद कर सकते हैं, जो हमारा माइका में अड़ना नहीं चाहिए और उसके हिसाब से आपको गैप छोड़ना जरूरी होता है जो माइका में लगे नहीं। तो मेरे हिसाब से 2 सूत गैप कोई ज़्यादा नहीं है, स्लाइडिंग में आते ही है, ये देख सकते हैं 25 mm का 1 इंची में। तो हमारे जो डोर्स के जो लगाए जाते हैं डोर्स स्लाइडिंग डोर्स, ये बैंड नहीं होंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती। तो आपको जो लगा रहे हैं 25 mm के ही लगाने, मोट जो थिकनेस होती है इसकी जो हमारा 1 इंची में आता, HDHMR का ही बोर्ड लगा सकते हैं आप। अगर आपको जैसे दरवाजे बैंड हो जाते हैं स्लाइडिंग में, अगर आपको कभी दिक्कत आती है या आप लगाना जानते हो या कारपेंटर हो या आपको लगवाना है घर के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं, आप इसी कंपनी का लगवा सकते हैं एक्सन टेसा का, और ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है 100-150 रुपये के हिसाब से, फुट के हिसाब से आता है, जो मार्केट प्राइस हो जो लिट्स के हिसाब से हमारा आता है जो बिल के हिसाब से, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं अपने यहाँ जो मार्केट में हो। करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो फिर मिलते हैं आपसे, इससे अच्छी वीडियो फिर लेकर आते हैं। थैंक यू फ्रेंड।